अक्सर अच्छे दिन आने से पहले कुछ शुभ घटनाएं हमारे जीवन में घटित होने लगती है। अगर आपको भी सुबह सुबह या फिर जीवन में अचानक कुछ ऐसे बदलाव दिखें तो समझ लीजिए कि सौभाग्य का दरवाजा बस खुलने ही वाला है। आने वाले अच्छे दिन और किस्मत खुलने के 24 शुभ संकेत। सफ़ेद गाय। गौ माता अगर भवन के द्वार पर आकर जोर जोर से रंभाए तो निश्चय ही घर में सुख में वृद्धि होती है। गाय का खेत में या गार्डन में आकर चरना लक्ष्मी का सूचक होता है। मधुर ध्वनियों का सुनाई पड़ना। सुबह अगर आपको मंदिर से घंटियों, शंख या भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे तो यह एक अच्छा सुकून होता है। नव वर वधु का दिखाई देना। मार्ग में अगर 16 श्रृंगार किए हुए कोई नई नवेली दुल्हन नजर आ जाए तो इसे भी एक अच्छा चिन्ह मानिए। श्रीफल। जब भी आपको सुबह उठते ही श्रीफल यानी कि नारियल के दर्शन हों तो समझ लीजिए कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। पक्षी का आपके ऊपर वेट करना। किसी पक्षी का आपके ऊपर वेट करना किस्मत वाले को ही नसीब होता है, ऐसा लोग मानते हैं। यात्रा के दौरान सांप, कुत्ते या बंदर का दिखना। जब कभी भी आप यात्रा करते समय आपको दाईं तरफ सांप, कुत्ते या बंदर दिखे तो समझ लीजिए कि वे आपको आपके पास धन आने के संकेत दे रहे हैं। बारिश के दौरान सूरज का दिखाई देना। बारिश के बीच आसमान में चमकते हुए सूरज का दिखाई देना शीघ्र ही मालामाल होने की निशानी है। हरियाली। खिड़की से सुंदर प्रकृति के नज़ारे को देखना एक शुभ बात होती है। साथ में अगर नज़दीक में जलाशय भी हो तो क्या कहने, सोने पे सुहागा समझिए। कोयल या सोन चिड़ैया का चहकना। घर की छत या मुलेर पर अगर कोई कोयल या सोन चिड़ैया चहचहाए तो समझ लीजिए पक्का आर्थिक वृद्धि होती है। दही या दूध। सुबह सवेरे उठते ही सर्वप्रथम दही या दूध का दिखाई दे जाना भी अच्छी तकदीर की ओर इशारा करता है। सुनहरा सांप। रात में सोते समय अगर आपको सपने में सफ़ेद या सुनहरा सांप नजर आए तो यह भी किस्मत खुलने का इशारा होता है। चमगादड़। अगर चमगादड़ आपके घर में अपना बसेरा बना ले तो इसे एक शुभ संकेत में शुमार किया जाता है। कछुआ। कछुए अच्छे भाग्य का प्रतीक होते हैं, इसका दिखाई दे जाना कोई न कोई अच्छी खबर जरूर लेकर आता है। टूटते हुए तारे। कहते हैं टूटते हुए तारे से मांगी हुई इच्छा 30 दिन में सच हो जाया करती है, तो क्यों न कुछ अच्छा मांगे। घर के द्वार पर हाथी का अपनी सूंड ऊंची करना। जिस घर के द्वार पर हाथी अपनी सूंड ऊंची करे समझिए वहां उन्नति वृद्धि होगी तथा कुछ मंगल होने की सूचना मिलती है। गलती से उल्टे कपड़े पहन लेना। कभी कभी हम जल्दबाजी में कपड़े उल्टे पहन लिया करते हैं। अगर दोबारा आपके साथ ऐसा हो तो समझिए कि सुख समृद्धि जल्द ही आपका दरवाज़ा खटखटाने वाली है। रास्ते में शुभ चीज़ों का मिलना। अगर रास्ते में आपको कहीं कोई सिक्का, घोड़े की नाल या चार पत्तियों वाली घास मिल जाए तो उसे अवश्य ही संभाल कर रख लें, यह आपके भाग्य को चमका सकते हैं। किसी कुत्ते का आपके घर पर आकर रहना। कोई कुत्ता अगर आपके घर पर रहने के लिए आ जाए तो यह रुपए पैसे आने का संकेत होता है। मेढक या टिड्डों का शोर। बारिश के बाद अगर मेढक या टिड्डों का शोर सुनाई दे तो इसे एक अच्छा संकेत माने। गन्ना। सवेरे सवेरे रास्ते में गन्ने का दिखाई देना भी कहीं से पैसे मिलने का एक शुभ लक्षण होता है। मोर। घर की सीमा में मोर का दिखाई पड़ना और उसका पंख फैलाना अत्यंत शुभ अवसर आने की घोषणा करता है। मोती। समुद्र के किनारे मोती मिलना भी बिरले को ही नसीब होता है, जबकि मोती मिलने को एक शुभ संकेत माना जाता है। झिंगुर। झिंगुर का शोर सुनाई देना या इसका दिखाई दे जाना आपके जीवन में बुरे दिनों के समाप्त होने या फिर खत्म होने से पूर्व की सूचना होती है। हाथ में खुजली होना। हाथ में खुजली होना शीघ्र आने वाले धन की ओर इशारा करता है। ये 24 शुभ संकेतों में से अगर कोई भी आपकी सुबह या जीवन में प्रवेश कर रहे हैं और ऐसा बार बार हो रहा है तो मानकर चलिए कि बस आपकी किस्मत खुलने ही वाली है।